नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रजनीश पाटिल में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए होंगे चैनल पे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। दोस्तों चलो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 221। पेज नंबर 221 के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया है, बुक वगैरह ओपन करके रख देंगे और समझ लेंगे। चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज एज ऑन 31st March 2018। बैलेंस शीट आपको देके रखी है स्वरा एंड स्वराज की। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। कैपिटल अकाउंट ये चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस नाम से लिख देते हैं अपन। फॉर्मेट बना लेंगे अपन, फर्स्ट नंबर में रिलेशन अकाउंट का, सेकंड नंबर में आप लोग बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें दो कॉलम बनेंगे आपके पार्टनर्स के स्वरा एंड स्वराज का। यहाँ पे स्वराज लोन अकाउंट भी दिख रहा है, थर्ड में बनेगा आपका स्वराज लोन अकाउंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ नंबर में बनेगा आपका कैश अकाउंट। कैश का भी ऑब्वियसली आपको ओपनिंग बैलेंस देके रखेंगे, वो लिख देंगे यहाँ पे, और अपन बाय ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे स्वरा एंड स्वराज का कितना है 6000 and 5000 लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन पार्टनर्स के बीच में, स्वराज लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे हम ओपनिंग बैलेंस नाम से, क्रेडिट में आएगा स्वराज लोन अकाउंट की ये भी अपन ट्रांसफर कर देते हैं 2000 rupees बाय ओपनिंग बैलेंस 2000। दोस्तों अगर पार्टनर्स का लोन आपको लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा तो बोला रहेगा या फिर नहीं भी बोला रहेगा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, आपको लोन अकाउंट जरूर ओपन करना है और लोन अकाउंट ओपन करके उसके क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस दिखा देने का है लोन का। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपके ट्रांसफर हो जाएंगे रिलेशन अकाउंट में। फर्नीचर पेटेंट गुडविल, ये पेटेंट और गुडविल नॉर्मल असेट मानी जाती है डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में। डेटर्स ये ग्रॉस वाली वैल्यू आपको ट्रांसफर करना है। लायबिलिटी के साथ अपन ट्रांसफर करेंगे आरडीडी को और स्टॉक को भी ट्रांसफर कर देंगे। बैंक को हम ओपनिंग बैलेंस के नाम से दिखा देंगे बैंक अकाउंट के डेबिट में 1200 रुपया। चलो ये हो गई पहली स्टेप आपकी। अभी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सन्ड्री एसेट को ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। इसमें आएगा आपका फर्नीचर 6000, आपका आएगा पेटेंट 1200, गुडविल नॉर्मल असेट ट्रीट करते हैं दोस्तों यहां पे, गुडविल आएगा आपका 2000। डेटर्स आपको इनर कॉलम की वैल्यू लेने की है, ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं इसको, और स्टॉक आएगा दोस्तों 5000। ये सबकी एडिशन कर देंगे हम 6000 + 1200 + 2000 + 3800 + 5000 दैट कम्स टू 18000। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना लिए रियलाइजेशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, स्वराज लोन का और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट का। फिर मैंने कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस करके दिखा दिया। फिर मैंने बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस करके दिखा दिया और स्वराज लोन अकाउंट को मैंने स्वराज लोन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिया ओपनिंग बैलेंस करके। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, असेट्स को ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट में। अभी हम लोग ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट में, सन्डे लायबिलिटी। इसमें आएगा आपका क्रेडिटर्स 3000, इसमें आएगा आपका बिल्स पेबल 1000 और दोस्तों यहां पे आरडीडी भी आपको ट्रांसफर करने का है
भूलना नहीं है, 200, तो ये आएगा आपका 4,200 रुपीज। क्लियर, वेरी नाइस दोस्तों। अभी यहाँ पे जो जनरल रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है 2,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो दोनों पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में बाय, और ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा बाय जनरल रिजर्व। 2,000 को हाफ ऑफ कर दो, 1,000 रुपीज स्वराज को, 1,000 रुपीज स्वराज को चला जाएगा। ये सारे के सारे अपने आइटम पोस्ट हो गए हैं। अभी हम लोग पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टमेंट को ट्रेड करेंगे। ऑन 1st April 2018 द फर्म वॉज डिसॉल्व, स्वराज टूक ओवर पेटेंट एट वैल्यू ऑफ रुपीज 2,000। स्वराज के कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा ये, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय स्वराज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे पेटेंट 2,000, और स्वराज कैपिटल के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन 2,000 रुपीज। वेरी नाइस, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। सेकंड, द असेट वेर रियलाइज्ड एज अंडर, असेट रियलाइज करेंगे तो हमारे पास कैश आएंगी, और कैश आएंगे तो इनकम होगा, और इनकम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा आपका। कौन कौन से असेट बेचे हमने, फर्नीचर बेच दिया, और कितना आया 7,000। गुडविल से कितना मिला दोस्तों हमें, गुडविल से मिला है 3,000, स्टॉक से मिला है हमें 4,000, और डेटर्स से मिला है हमें 3,000, दैट कम्स टू 17,000, और कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा आपका, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000। ये भी एडजस्टमेंट आपकी होगी। क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अदर लाइबिलिटीज वेयर पेड इन फुल, इसका मतलब है हमारे जेब से कैश आएगी, एक्सपेंस होगा अपना तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स का 3,000 रुपए देने का है तो उन्होंने अपने को डिस्काउंट दिया है, तो 3,000 - 10% यानी 2,700 अपन उनको देंगे, क्योंकि 10% कम देना है दोस्तों अपने को। और अदर लायबिलिटीज तो पूरी की पूरी पे करने के अपने को, तो अदर लायबिलिटीज में क्या आएगा आपका दोस्तों, बिल्स पे ही बुलाएगा, कितना 1,000 रुपीज ये देखो। और आरडीडी को नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि डेटर्स के साथ आपका सेट ऑफ हो जाता है 8,700। ये भी हो गया आपका। एक्सपेंसेस फॉर रिलेशन अमाउंटेड टू रुपीज 1,500 विच इज बोर्न बाय स्वराज, तो स्वराज के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा टू स्वराज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है उसका एंट्री, और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आता है उसका एंट्री दोस्तों 1,500 बाय रियलाइजेशन 1,500 दोस्तों, यहां आ जाएगा आपका डैश। ये भी हो गया, यानी सारे के सारे अपन ने इफेक्ट दे दिए है टू कैश का, दिया कि अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन आ जाएगा यहाँ पे, वो लायबिलिटीज का पेड करने वाला। लायबिलिटीज कितना पेड किया आपके, हम लोगों ने 3,700। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज आपकी रह गई है, ये स्वराज लोन जो है ये 2,000 का था। क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि हमने रिपेड किया उसका लोन, बोला रहेगा या नहीं बोला रहेगा तो भी आपको लोन अकाउंट के डेबिट में दिखा देने का है टू कैश, इसका मतलब है कैश के क्रेडिट में आएगा बाय स्वराज लोन, यानी हमने उसका लोन वापस कर दिया 2,000। ये लोन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, बोथ साइड्स आर सेम, डेबिट एंड क्रेडिट आर सेम,
तो ये हो गया क्लोज। यानी हर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट ओपन करना है और उसका लोन आपको रीपे करना है, दिया रहेगा एडजस्टमेंट में या फिर नहीं भी दिया रहेगा तो इसी प्रकार से आपको ट्रेड करना है दोस्तों। चलो अभी रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस देखते हैं अपन, इसमें प्रॉफिट है या लॉस है रियलाइजेशन में वो अपन फाइंड करते हैं। 18,000 प्लस 3,700 प्लस 1,500 दैट कम्स टू 23,200 डेबिट की टोटल आएंगे आपकी। 23,200 और क्रेडिट की भी टोटल करेंगे अपन दोस्तों, क्रेडिट में देखो 4,200 प्लस 2,000 प्लस 1,700 17,000, ये भी आएगा 23,200। वो डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर सेम, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट है रिलेशन पे ना लॉस है, बोथ साइड्स आर इक्वल। जितनी असेट्स हमने बेची रिलाइज की उतनी हमारी लायबिलिटी पे हो गई। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे और एक 7,000 आएगा यहाँ पे आपका, 7,000 में से 2,000 गए तो यहाँ आएगा 5,000 रुपया, 5 × 6 और एक 7,500 आएगा स्वराज का क्रेडिट में, 7,500 माइनस नील कर देंगे तो ये आएगा आपका 7,500 रुपया। और इसे बोलेंगे टू कैश, यानी इनको फाइनल पेमेंट अपन करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन, यानी बैलेंसिंग फिगर 5,000 रुपए देंगे अपन स्वरा को और स्वराज को देंगे 7,500, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा ये बाय स्वरा कैपिटल 5,000 और बाय स्वराज कैपिटल 7,500। और दोस्तों बोथ साइड आपके सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए आपके, तो इसका मतलब है आपका अकाउंट हो गया टैली, डिसोल्यूशन आपने बराबर किया है। 18,200 और 3,700 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 18,200। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करेंगे और मुझे बताएंगे। थैंक यू।